नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों, आज का यह वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा यूजर्स के लिए या कहते हो बीओबी यूजर्स के लिए। दोस्तों, अगर आप भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, तो आपको हर महीने जो है आपके ईमेल आईडी पर आपके अकाउंट का स्टेटमेंट तो भेजा जाता ही होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको जो है जीमेल ऐप यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है ऊपर में सर्च करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मेरे बैंक की ओर से कई सारे स्टेटमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सब है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आया हुआ है। जैसे कि जुलाई का स्टेटमेंट आया हुआ है, हर महीने का जो स्टेटमेंट आता है। लेकिन इसमें जो पीडीएफ आता है वह जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। उसका पासवर्ड क्या होता है, इसी चीज़ को इस वीडियो में हम जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा स्टेटमेंट आया हुआ है, ये मई 2023 का, ये देख सकते हैं स्टेटमेंट मुझे जो है भेजा है। तो इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लास्ट में अगर आप जाते हैं तो देखिए ये पीडीएफ यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो चलिए, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, डाउनलोड के ऊपर, और इससे जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये देखिए डाउनलोड तो हो गया, अब ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा आपके फाइल मैनेजर के डाउनलोड के फोल्डर में। तो चलिए, यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ मैं एंड यहाँ पर इंटरनल या कहें तो मेन स्टोरेज, और इसमें जो है डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो है आ चुका है मेरा स्टेटमेंट जो है। लेकिन इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए, वो यहाँ पर ये मुझसे जो है पासवर्ड मांग रहा है, यह फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो इसका पासवर्ड क्या होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जो है आपको उसी ईमेल में मिल जाएगा। तो आपको जाना है वापस इसी ईमेल में, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा आपका पासवर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दर्शाया गया है उदाहरण किस तरह से आप अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो पासवर्ड जो बनता है वह जो है नाम और आपका जो जन्म का तारीख है, उन दोनों को मिलाकर जो है बनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, नाम जैसे रवि प्रकाश नाम है, तो रवि का RAVI small 4, मतलब सामने का 4 लेटर आपको लेना है। और आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ इस रवि का डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं जन्म तारीख 07/02/1970। तो इसमें क्या होगा, 07 और 02 यहाँ पर जो है ले लेना है। तो इस हिसाब से पासवर्ड क्या हुआ, RAVI 0702 है ना। इसी तरह से मेरा नाम है सूरज, SURAJ है ना, तो मैं सामने का SURA स्मॉल में लूंगा और मेरा जो जन्म तारीख है 06/07/1994, तो 06/07 में लूंगा। तो चलो, यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सूरज स्मॉल में पूरा SURA 0607, और ये देखो जैसे ही ओपन करूंगा मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है आसानी से ओपन हो गया। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ क्या है 07/02, तो ऐसे में क्या होगा, RAVI रवि 0702 आ रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 7 तारीख की जगह आपका अगर 21 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, तो आपको 0 नहीं लगाना है। आप डायरेक्ट जैसे 22 तारीख है तो 22 और जो भी मंथ होगा, जैसे 11 महीना है, 12 महीना है, तो वहाँ पे आपको 0 नहीं लगाना है। मतलब 0 दो ही अक्षर का होना चाहिए, 2 ही अंक का होना चाहिए, आपको 0 इसमें लगाना ही नहीं है। 0 कब लगाना है, ऐसे सिंगल डेट है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक है तब आपको 0 लगाना है, अगर 10-11 है तब आपको 0 यहाँ पर नहीं लगाना। तो इस तरह से आसानी से आप जो है पासवर्ड जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये आपका सवाल जो है अगर हल नहीं हो रहा, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और या फिर यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पासवर्ड जो बनाकर दे दूंगा। तो इस तरह से आसानी से आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसी तरह के बेसिक वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूँ। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।